हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एआईयू एडू यूनिवर्स। और आज हम देखेंगे टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें गाइस बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एक छोटे से क्वेश्चन के पीछे इतनी लंबी कैलकुलेशन करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि सेकंड्स का क्वेश्चन होता है। आइए आज देखते हैं कुछ इसके क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं उन्हें उनकी ट्रिक्स के साथ। गाइस देखो, हमें क्वेश्चन दिया जाता है समटाइम्स कि ए रेशो बी की वैल्यू गिवन होती है 3:2 और बी रेशो सी की वैल्यू गिवन होती है 5:3, और हमसे पूछा जाता है कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो की वैल्यू बताओ। तो गाइज इसमें सब लोग क्या करते हैं, पहले इनका निकालेंगे, इसकी रेशो निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करके बहुत लंबी नहीं पता कितनी कैलकुलेशन कर देते हैं, जबकि इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करना है हमें, हमें एक सिंपल सा बनाना है, एक उल्टा एन, ठीक है। यहां से यहां जाना है, यहां से यहां और यहां से यहां, पहले 3 से 5 तक जाना है। क्या बनाना है हमें, उल्टा एन लाइक दिस, ठीक है। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में उल्टा एन बनाना है। पहले इसकी वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी वैल्यू लिखनी है तो 3 5 15 रेशो, फिर 5 2 10 रेशो, 2 3 6 आ गया हमारा आंसर। देखो कितना सिंपल था, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी ऐसा था जो हम नहीं कर सकते या कुछ भी टफ था। अब और देखते हैं इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:4 और बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:3। अब फिर देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू निकालनी है हमें। गाइस कैसे निकालेंगे, वही करेंगे हम, उल्टा एन बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, उल्टा एन इस तरीके से। तो बताओ 3 2 6 रेशो, 2 4 8 रेशो, 4 3 12। अब गाइस देखो, जब भी हमें रेशियो निकालनी होती है तो हमें क्या करना होता है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी होती है। तो इसमें से कॉमन जितना भी निकले निकाल दो। क्या कॉमन निकल जाएगा इसमें से, इसमें कॉमन निकल जाएगा 2, तो 2 कॉमन निकलते ही हो जाएगा 3:4:6 और हमारा आंसर हो जाएगा ए रेशो बी रेशो सी का 3:4:6। अब देखो गाइस, इसको तो हम फिर भी अब उल्टा एन है, अब इसका एक कॉमन मेथड देखते हैं हम जो हर रेशियो के क्वेश्चन में लगेगा। यहाँ 3 का है, वो 4 में भी हो, 5 में भी हो, 10 में भी हो, कितनी भी बड़ी रेशियो निकालनी हो, उसका एक कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मेथड। वो क्या होता है, जितनी भी रेशियो गिवन होती है, जैसे ए रेशियो बी दे रखा है, क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की, ए रेशियो बी दे रखा है तो 3:4, ठीक है। अब बी रेशियो सी दे रखा है, बी कौन सा है, 2, और यहाँ पे भी बी क्या था, 4, तो 4 के नीचे ही रखेंगे हम 2, तो 2:3। अब क्या करना है, इनकी रेशियो निकालनी है अब हमें, ए रेशो बी रेशो सी की, ठीक है। तो गाइस क्या करना है, पड़ोसी जगह को फिल कर देना है, किससे, सेम नंबर से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे था ये, ठीक है, इसको कर देंगे, यहाँ 4 था तो 4 से फिल कर देंगे, यहाँ पे 2 था तो 2 से फिल कर देंगे, राइट। अब इनका मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 4 2 8 और 4 3 12। देखो गाइस हमारी यही आई है जो हमारी यहाँ आई थी, ठीक है। ये होता है अड़ोसी पड़ोसी मेथड, इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं अड़ोसी पड़ोसी मेथड। इसको इस पे भी लगाकर देख सकते हो आप। देखो गाइस क्या बोला मैंने, ए रेशो बी की वैल्यू रखनी है 3:2। अब बी के नीचे ही बी आना चाहिए नेक्स्ट की है 5:3, ओके। अब इनकी अड़ोसी पड़ोसी मेथड से मतलब पड़ोस वाली जगह फिल कर देनी है हमें उसी नंबर से जो की पड़ोस में है, यानी 2, यहाँ पे क्या रखेंगे 5। अब इनकी फिलिंग के हिसाब से इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 5 2 10 एंड 2 3 6। देखो गाइस यही आंसर था हमारा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं इससे थोड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो गाइस ये है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, इसमें हमें 3 रेशियोज दे रखी है और 4 की फिर कॉमन करके पूछी है। तो गाइस इसमें क्या करना होगा, पहले हम लगाते हैं अड़ोसी पड़ोसी मेथड जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। क्या करना है, जो सेम वाला है उसको नीचे से स्टार्ट करना है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या करना है हमें, लिखना है 3:2, उसके बाद 2 किसका, यहाँ पे 2 बी की वैल्यू थी, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 2, तो इसके नीचे लिखेंगे, फिर 3 सी की वैल्यू थी, यहाँ पे 1 है सी की वैल्यू, तो 1 इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। गाइस इस तरीके से लिख दिया। अब हमें इसके अड़ोसी पड़ोसी वाली मेथड के हिसाब से साइड वाली स्पेस को पड़ोस वाले नंबर से फिल कर देना है। जैसे यहाँ 2 लिखेंगे, अभी भी स्पेस खाली रहेगी तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे,
यहाँ वन लिखेंगे और यहाँ पे भी वन लिखेंगे। आई होप गाइस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फिल करना है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स लिख दो। तो 3 2 6 6 1 6 तो 6, 2 2 4 4 1 4, 2 3 6 6 1 6 एंड 2 3 6 6 2 12। अब इसमें से जो भी कॉमन निकलता हो अपना कॉमन निकाल दो। इसमें से कॉमन निकल जाएगा 3, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3:2:3:6। गाइस कितना आसान था, है ना। इस तरीके से अगर हमें और भी मान लो यहाँ पे डी रेशो ई की वैल्यू दे दी जाए और फिर यहाँ पे पूछ लिया जाए ए बी सी डी ई की रेशो, तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। अब गाइस इसमें मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, अगर आप लोग, वैसे ये बहुत इजी पड़ती है और बहुत कॉमन ट्रिक रहेगी तो सबको याद रहना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक और ट्रिक अगर बाई चांस याद ना आए तो और इजी तरीके से करने के लिए। ठीक है गाइस, क्या करना है जब इनके आंसर्स लिखने हैं ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का, तो क्या करना है, सबसे पहले पहली वाली लाइन को मल्टीप्लाई करके लिख दो पहला नंबर। तो 3 2 6 6 1 6, ठीक है। कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 4, तो पहले 4 ब्लैंक्स बना लो। ठीक है, बना लिए। लास्ट में लास्ट नंबर लास्ट रो की बिल्कुल जो ये है वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करवा के लिख दो 2 3 6 6 2 12। आगे दो नंबर, देखो गाइस बीच के दो नंबर रह गए, उसको हमें किस तरीके से फिल करना है, उसको हमें फिल करना है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं मार्क बनाऊंगी उस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए, इधर से इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन करवा के ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 4 4 1 4, राइट। अब देखो नेक्स्ट जो लेना है, नेक्स्ट हमें लेना है कुछ इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन की 2 को मल्टीप्लाई करवाना 3 से और फिर 3 को करवाना 1 से, यानी कि इस तरीके की ये कुछ फिगर बन जाएगी कुछ इस तरीके की, लाइक ये। ठीक है, इस तरीके की बननी है हमारी मल्टीप्लीकेशन करते वक्त। तो 2 3 6 6 1 6 आ गई ना हमारी यही रेशो। अब इसको सिंपली इस फॉर्म में हम कर सकते हैं, यानी अगर 3 वैल्यूज का कोई भी क्वेश्चन आएगा अब हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गाइस एक और क्वेश्चन देकर देखती हूँ आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से समझ में आया ये चेक करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए रेशो बी की वैल्यू हमें दे रखी है 2:3, बी रेशो सी की वैल्यू दे रखी है हमें 2:1 एंड सी रेशो डी की वैल्यू दे रखी है हमें 3:2। अब हमें निकालना क्या है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। आई होप गाइस अब इसे आप बहुत इजीली कर सकते हैं, आइए मेरे साथ इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले बना लेते हैं 4 कॉलम, है ना, 4 वैल्यू। पहली वैल्यू क्या आएगी, सीधे मल्टीप्लाई करवा के 2 2 4 4 3 12, ठीक है, पहला नंबर आ गया 12। अब लास्ट नंबर फिल करते हैं 3 1 3 3 2 6, तो 6 आ गया। अब हमारे बीच 2 की वैल्यू रहती है, बीच 2 की वैल्यू करेंगे क्या बनानी है हमें, ये वाली फॉर्मेट बनानी है, तो इसको इसके और इसके साथ, तो 3 2 6 6 3 18, तो आ गया हमारा 18। अब गाइस इसका ये वाला नंबर रहता है, इसको भी हमें फिल करना है कुछ इस तरीके से कि ये वाली फॉर्मेट बनानी है। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालनी है, इस तरीके की फॉर्मेट बनानी है, यानी 3 1 से मल्टीप्लाई करके इससे, तो 3 1 3 3 3 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब गाइस ये हो गई इसकी रेशियो, अगर कुछ कॉमन निकलता है तो इसमें से कॉमन निकाल दो। अगर फिर भी गाइस ये ध्यान ना रहे कि किसको किस तरीके से करना है तो इस अड़ोसी पड़ोसी मेथड से सॉल्व कर दो। करके दिखा देती हूँ मैं ये भी ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। क्या कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म लिखनी है वैसे ही 2:3। अब 2 ये वाला 2 इसके नीचे आएगा, अब ये 1 के नीचे आएगा 3:2। गाइस अब पड़ोसी मेथड के हिसाब से पड़ोस वाला नंबर भर देना है उसी हिसाब से। ठीक है, यहाँ 1 रखा जाएगा, यहाँ 2 रखा जाएगा, यहाँ पे 3 रखा जाएगा, यहाँ पे भी 3। अब इनका मल्टीप्लाई करवा के फिलिंग कर दो, तो 2 2 4 4 3 12, नेक्स्ट 3 2 6 6 3 18, नेक्स्ट 3 1 3 3 3 9, नेक्स्ट 3 2 6। आगे गाइस ये देखो सेम है हमारी, तो इस तरीके से हम रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किसी भी हिसाब, मतलब कितने भी बड़े क्वेश्चन हो रेशो के, तो टाइम नहीं लगाना है फर्दर कैलकुलेशन, वो मल्टीप्लाई डिवाइड रेसिप्रोकल ये सब करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे ट्रिक से सॉल्व करो और सेकंड्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये ट्रिक आपको हर कॉम्पिटिशन में हेल्प करेगी, छोटे से लेकर छोटे दिल्ली पुलिस के पेपर से लेकर एनटीपीसी या फिर कोई भी एसएससी एग्जाम हो, हर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं मैंने, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस इसी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फर्दर मोर ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।